गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज समीर मलिक फ्रॉम लेट्स ट्रिप देसी। हम खड़े हैं चकराता में और मैं आई हूँ अपनी फैमिली के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए, बट हो गया है एक पोपट। अब पोपट क्या हुआ है, पहले तो मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ इसके लिए, नहीं बनाऊँ। मेरी हालत जो थी, मैं अपने माइंड को समझा नहीं पा रही थी। अब क्या पता ड्रोन मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। सो वीडियो इज ऑल अबाउट, मेरा ड्रोन खो गया है, पेड़ में अटक गया है। तो मैंने कोशिश करी अपने दिमाग को समझाने की। हम ऊपर से एक शॉट ले रहे थे इस कॉटेज का और मैं विंडो पे बैठी हुई थी। बट देखो आप एक बार, जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में जब मैं शॉट ले रही थी तो हुआ क्या। मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये ड्रोन जा रहा है और आप देख सकते हो उड़ते उड़ते वो अटक चुका है पेड़ के अंदर, और एक्चुअली में वो लटक चुका है। और उसके हम एक्चुअली ट्रेस कर रहे थे जीपीएस के थ्रू, उसकी एप्लीकेशन के थ्रू, कि कहाँ है कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा था। गाइस तो आप लोगों को ये वीडियो देख के ऐसे से लग रहा है कि ड्रोन मुझे मिल गया है। ड्रोन मुझे बिल्कुल नहीं मिला था, और हम वीडियो एक्चुअली अपने फ़ोन के उस डिवाइस से सेव कर रहे थे। सो दैट अगर ड्रोन अगर मुझे नहीं भी मिला, अगर मेरा ड्रोन खो गया, टूट गया या अटक गया, कहीं मुझे नहीं कोई निकाल के दे पाएगा, तो मैं एटलीस्ट जो मेरी वीडियोज़ है वो तो सेव कर लूँ। तो मैंने उसको फटाफट से वीडियोज़ को सेव कर लिया अपने फ़ोन में, सो दैट कि एटलीस्ट जो कॉन्टेंट मैं बनाने की कोशिश कर रही थी एटलीस्ट वो बच जाए। तो फाइनली मेरा जो कॉन्टेंट है वो बच गया, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट दिखा पाया। ओके सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस व्लॉग में कि पूरा एकदम पेड़ से अटक चुका है। तो हमने कोशिश करी कि जीपीएस के थ्रू उसका अलार्म ऑन किया शिवज ने अपने फ़ोन से, कि हम ढूंढ पाए उसका अलार्म कहीं पे बजे कि वो कहाँ अटका है, कहाँ पे, हमें नहीं मिल रहा था। फाइनली जाके जब हम लोग सारी फैमिली इकट्ठे हो गए तो पापा ने देखा कि वो अटका हुआ है, वहाँ लाइट जल रही है। तो हम भागे भागे उस पेड़ की तरफ गए। आपको मैं दिखा देती हूँ वो पेड़ कहाँ है। वो पेड़ वो वाला पेड़ है, आप देख सकते हो उसके एकदम टॉप लेवल के माले पे चढ़ गया था मेरा ड्रोन और अटक गया था। गाइस ये वाला पेड़ था वो जिस पे वो अटक गया था, और उस पेड़ पे जाके मैंने फाइनली कोशिश करी कि एक तो मिल जाए। फिर हमने बॉल फेंकी ताकि वो नीचे गिर जाए, पर वो बॉल से भी नहीं आया। फिर हमने पत्थर फेंका, वो फिर भी नहीं आया, वो एकदम अटक चुका था। हमने अपने फोन के कैमरे से एकदम जूम करके दिख रहा देखा कि है वो अटका कहाँ है। तो या ये वीडियो में मुझे आपको दिख दिखाती रहा हूँ मैं जब जूम कर रही थी उसको कि वो कहाँ भाई अटका था। आवाज सो गाइज उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। फाइनली मैंने कॉल किया ऑनर को, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरा ड्रोन फंस गया, तो आप कुछ हेल्प कर पाओगे, क्या होगा? तो उन्होंने बोला हम देखते हैं। तो कोई एक बंदा आया, उसने कोशिश करी, वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाया। फिर तो दूसरा बंदा आया, वो शेफ था यहाँ का जो कि खाना बनाता है। तो जो ओनर है वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे कि यार अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ पे होटल में जो लोग खाना खाने आए वो खाना कौन कैसे बनाएंगे और कौन लोग खा पाएंगे। तो कहता मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो एक दूसरे से पंगे चल रहे थे। मैं सिर्फ इतनी दुआ कर रही थी कि भाई उस बंदे को कुछ ना हो, सही में चाहे मेरे यार ड्रोन को कुछ भी हो जाए। और मैं कोशिश कर रही थी कि यार कोशिश वो बंदा कर रहा है उसको लग लुगा ना जाए, बंदे कुछ नहीं होना, बिकॉज नीचे इतना ज्यादा गहरा नहीं है, बट ऊपर चढ़ना इट्स रिस्की, इट इज नॉट ईजी थिंग। ओके सो गाइज फाइनली शेफ साहब ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देख सकते हो वो एकदम चेक करके चल रहे हैं कि लकड़ी ढीली ना हो, कि उनका पैर फिसल जाए। वो हाथ रख रहे हैं सेफ साइड जगह पे। फाइनली आप देख सकते हो कि शेफ साहब ऊपर पहुंच चुके हैं और मेरा ड्रोन उनके हाथों में आ चुका है, और उसके बाद वो पैक कर चुके हैं, अपनी जेब में रख रहे हैं। अब फाइनली मेरा ड्रोन हाथों में मेरे आ सकता है और सेफली आ सकता है, मुझे उम्मीद है। बस फाइनली मेरा ड्रोन मेरे हाथों में आ चुका है और सेफली आ चुका है। हमने बहुत कोशिश करी कि हम शेफ को कुछ दे पाए जो भी उनको चाहिए। वो शर्माते हुए साइड से निकल गए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं उनके पास दोबारा भी गई किचन में, मैंने कहा शेफ आपने बहुत बड़ी हेल्प करी है मेरी, आप बता दो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने बोला आपके लिए मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो कहते नहीं मुझे शर्म आती है, मेरे को वीडियो नहीं बनानी है। तो यही था इस वीडियो में ऑल अबाउट, एंड फाइनली मेरा जो ड्रोन है वो मेरे हाथों में सेफली आ चुका है। ये मेरे लिए एक लर्निंग है कि मैं दोबारा से ऐसे ड्रोन ना उड़वाऊँ, जहाँ पेड़ हैं उस पर बचाऊँ और खुले आसमान में ही उड़ाऊँ ताकि वो आसानी से मेरे तक आ पाए। बहुत मुश्किल होता है ड्रोन ड्राइव करना, इट इज़ नॉट ईजी। सो सीख रहे हैं, सीख जाएंगे, आप लोगों के लिए ऐसे बड़े बड़े शॉट लेते आएंगे। ओके सो गाइज थैंक्स टू द शेफ स्पेशली, एंड सेकेंड थैंक्स टू द ओनर जिसने स्पेशली आके फटाफट उसको बोला और वो ऊपर चढ़ गया। मात्र 3.5 मिनट में वो बंदा पेड़ चढ़ गया, इट इज़ नॉट ईजी, एंड दैट टू दैट ह्यूज पेड़। तो थैंक यू सो मच टू द प्रॉपर्टी ओनर, एंड थैंक यू सो मच टू द शेफ संजय हु इज स्टेइंग विद द प्रॉपर्टी, एंड खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। तो जब भी आप आओ मेरी तरफ से उनका खाना जरूर खा के जाना, आपको आई एम श्योर पसंद आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच सवाइड ऑन द रिजॉर्ट, एंड टू द स्पेशल शेफ संजय जी थैंक यू सो मच। मेरा ड्रॉन मुझे वापस लाने के लिए हमने चला के भी देख लिया, एकदम मस्त चल रहा है। थैंक यू सो मच।
करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो मेरे ब्लॉग के साथ, कर दो सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल बटन एंड ओके गाइस, तो ये है सनसेट व्यू जो कि क्लाउड से पूरा ढक चुका है, तो सॉरी मैं आपको पूरा सनसेट नहीं दिखा पाऊंगी, बट आप देख सकते हो मून नज़र आ रहा है, क्लाउड्स भर चुके हैं और ये ऐसा रास्ता था जहाँ से हम चढ़ गए हैं। वॉकिंग डिस्टेंस था 10 to 15 मिनट्स का फ्रॉम सवाई टांडा चक्राता रिसोर्ट, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप देख सकते हो कपड़े कैसे हिल रहे हैं और पेड़ कैसे हिल रहे हैं। सो थोड़ा सा क्लाउड की वजह से हो चुका है पोपट, बट ओवरऑल अगर आप यहाँ आओ तो आप ये छानी चुरानी वाली जगह है, ऊपर ग्रीन हट्स अगर आपको दिख रहे हैं तो वहाँ से आपको सनसेट बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। ये मुझे होटल के ओनर ने रिकमेंड किया था कि आप वहाँ जाओ और सनसेट इन्जॉय करो, बट बैड लक टुडे बिकॉज पूरा क्लाउड से आसमान भरा हुआ है, सो कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी। अभी चलते हैं नीचे और करते हैं वापस से रिजॉर्ट इन्जॉय, और सोचा था ऊपर मंदिर जाएंगे बट बहुत ज़्यादा विंडी हो चुका है, तो 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना और फिर ऊपर से सनसेट हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, सो इट विल बी रिस्की। स्टिल वी आर अवॉइडिंग इट टुडे एंड लेट्स कवर इट सम नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी विल बी देयर। और ये छन्नी से ही रास्ता जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, उस मंदिर की तरफ जिसपे पैरानोमा आपको व्यू मिलता है। चुके हैं डिनर के लिए, और डिनर में क्या क्या है देखते हैं। आलू शाही पनीर एंड दाल मखनी एंड ओके गाइस, हम उठ चुके हैं सुबह सुबह जस्ट टू चेक आउट द सनराइज। आप देख सकते हो सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और वहाँ से धीरे से सन निकल रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है नज़ारा चारों तरफ से, ब्यूटीफुल। तो आप इस प्रॉपर्टी से सनराइज सनसेट दोनों चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। बहुत ठंड है।